सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं देश प्रदेश की उन शख्सियत से जिन्होंने समाज में अहम योगदान दिया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जनता जिनके बारे में जानने में दिलचस्पी लेती है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं जिया अहमद जी, जिन्होंने आपको काफी एंटरटेन किया है। आपने उन्हें डेढ़ इश्किया, गुलाबो सिताबो, बाला जैसी मूवीज में देखा है, साथ ही साथ आजकल कोका कोला IPL जैसे एडवर्टाइजमेंट में भी देख रहे हैं। तो आज जानते हैं इनके जीवन से जुड़े उन मुकाम के बारे में जो इन्होंने हासिल किया और कैसा रहा इनका अनुभव। सर, हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से आपने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है, कई एडवर्टाइजमेंट में भी आप नजर आते रहते हैं, लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं, तो आपको ये करने की प्रेरणा या फिर यूं कहे कि आपको इस बारे में कैसे अच्छा लगा कि आप यही करना चाहते हैं, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से बहुत शुरू से शुरू होता है। बिल्कुल। कि जब कॉलेज के दिनों में अपने स्टूडेंट के साथ, अपने साथियों के साथ बैठते थे तो कभी हंसी मजाक हुआ तो अक्सर लोग कहते थे, यार तुम हाजिर जवाब बहुत हो। तो उन्हें हमारी जो साथ में जो हमारी बातचीत होती थी, हम लोग का जो अपना ग्रुप था, तो उसमें अच्छा लगता था। फिर धीमे धीमे करके ये लगा कि यार ये शायद ये एंटरटेन करना एक एक्टिंग है जी। फिर मैंने थिएटर शुरू किया और फिर ये कदम धीमे धीमे बढ़ता गया। तो पहले तो ये था कि हाँ, हम थिएटर कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, फिर हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। अब धीमे धीमे करके फिर फिल्में शुरू हो गईं और फिर ये एड शुरू हो गया, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब लोग उससे एंटरटेन हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अगर आपके स्टूडेंट लाइफ की बात करी जाए, आपके स्कूलिंग की बात करी जाए, तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो कि जानना चाहते हैं आपके जीवन से जुड़े वो किस्से जो कि उन्हें नहीं पता है। देखिए, मैं बहुत छोटे से शहर जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पैदा हुआ जी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी जौनपुर में हुई, बाद में फिर मैं यहाँ लखनऊ आ गया और क्लास 10th से ग्रेजुएशन तक सब हमारा लखनऊ में रहा जी। तो कोई ख़ास इसमें वो नहीं रहा हमारा, एक स्टूडेंट नॉर्मल जिस तरह से अपना पढ़ाई करते हैं, मैं पढ़ाई करता रहा। लेकिन फिर मैं जॉब में आ गया, फिर मुझे लगा कि यार मैं बिल्कुल, एक अकबर इलाहाबादी का शेर है जी। वो ये है कि हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, इंटर हुए नौकरी की पेंशन मिली फिर मर गए। तो मुझे लगा कि नौकरी, फिर उसके बाद फिर रिटायरमेंट, फिर पेंशन, तो कुछ होना चाहिए साथ में जी। जो हम दुनिया के लिए भी कुछ ऐसा हो कि मेरे बाद भी चीज़ें याद करी जाए या मेरा कोई अपना योगदान समाज में होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए थिएटर ज्वाइन किया जी। और फिर वो थिएटर से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था वो यहाँ तक आ गया। तो थिएटर से फिल्म इंडस्ट्री तक का सफ़र आपने तय किया है, आपको फर्स्ट ब्रेक कब मिला और किसके ज़रिए मिला? देखिए, पहली मरतबा जो मैंने कैमरा फेस किया था वो DD1 के लिए एक सीरियल बनता था उड़ान, तब उस ज़माने में DD1 ही हुआ करता था, नेशनल चैनल। तो शुरुआत मैंने वहाँ से की। और उसके बाद जो सबसे पहली फिल्म मैंने की वो एक आर्ट फिल्म थी, मोहनदास। फिर उसके बाद फिर धीमे धीमे करके तमाम फिल्में आती गईं और फिर जो बड़ा ब्रेक आप कह सकते हैं बॉलीवुड का, वो फैंटम से शुरुआत हुई थी, कबीर खान साहब के डायरेक्शन में थी, जिसमें सैफ और कटरीना थी। तो उसमें मैंने एक डॉक्टर का किरदार किया था और अच्छा कैरेक्टर था, लोग देखेंगे तो शायद पसंद आए। बिल्कुल, बहुत सारे दर्शकों ने देखा भी होगा। अगर बात करें कठिन समय की, सबसे ऐसा समय जिसमें आपको लगा हो कि अब मुश्किल है फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा कर पाना, अपने वापस काम पे लौटते हैं, कोई और जरिया ढूंढते, क्या कोई ऐसा समय आया? नहीं, देखिए ऐसा समय तो नहीं आता है जी, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा आपको हर्ट करती हैं जी, और आपको लगता है कि आपके रास्ते में एक बाधा आ रही जो कि नहीं आनी चाहिए, जो चीज़ें स्मूथली चलती हैं। लेकिन फिर यही है कि नर हो ना निराश करो मन को, बस आगे बढ़ते रहते हैं और फिर वो बाधा भी अपने आप धीमे धीमे करके हट जाती है और आपका रास्ता खुलता जाता है। तो मेरा अपना यही है कि खामोशी से आप अपना काम करते रहिए, अपने मंजिल की तरफ आप धीमे धीमे ही सही बढ़ते रहिए, कुछ बाधाएं आएंगी लेकिन आप चलते रहिए, रुकिए नहीं जी। तो क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई इस एक्टिंग करियर में है या फिर आना चाहता है? नहीं,
अगर पीछे देखा जाए तो कोई भी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन बच्चों में मैं देखता हूँ कि उनके अंदर एक्टिंग के जिसको आप कीड़े कह सकते हैं जी। वो है और वो कर भी करते भी हैं, मुझे लगता है कि को देख के प्रेरणा मिलती हाँ, है। लेकिन वो चूंकि अभी इस फील्ड के नहीं है, वो अपनी अपनी जॉब में है, उन्होंने अपनी अलग पढ़ाई की है, तो मैंने भी ये कह रखा है भाई अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जॉब वॉब कर लो, लाइफ सिक्योर कर लो। हाँ शौकिया अगर तुम्हारा दिल चाहे कभी तो तुम आके कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अगर है तो जी। आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में भी योगदान दिया है, आपने अमिताभ बच्चन के साथ गुलाबों सिताबों में भी काम किया है जी, जी। उसके बारे में एक जानना चाहेंगे कि जब अमिताभ बच्चन जी के साथ आपको काम करने का मौका मिला तो आपका अनुभव कैसा रहा और आपको कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? जी बिल्कुल, क्योंकि सभी सदी के महानायक के साथ काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं जब फिल्म गुलाबों सिताबों में मेरा बच्चन साहब के साथ एक सीन था, तो शुरू में मुझे बताया गया कि आपका डॉक्टर का कैरेक्टर है जी, तो मैं अपना डॉक्टर का एप्रन वगैरह पहन के वहाँ पे सेट पे था, हम थे आयुष्मान खुराना थे, इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो जब बच्चन साहब आए तो उनके साथ एक हल्की सी रिहर्सल हुई, तो शुरू में तो मैं अपने अंदर ये सोच रहा था कि यार बच्चन साहब के साथ करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। तो जब उनके साथ रिहर्सल की तो मैं बड़ा कम्फर्ट महसूस किया मैंने, क्योंकि वही चीज़ वही एक्टिंग वो भी कर रहे हैं, वही एक्टिंग मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये चीज़ आई कि ये इस वक्त बच्चन साहब नहीं बल्कि मिर्ज़ा साहब हैं और मैं डॉक्टर हूँ। क्योंकि अगर मैं बच्चन साहब और ज़िया अहमद ख़ान को लेके चलूँगा तो उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है कि मैं सिवाय इसके कि नर्वस हो जाऊँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैंने बस अपने उनके बीच जो करेक्टर का रिलेशन था बस उसको ही रखा जी। तो उससे यह है कि मेरा करेक्टर भी आसान हो गया, मेरे पास किसी तरह की कोई नर्वसनेस नहीं आई और स्मूथली हो गया और अच्छा करेक्टर हुआ। यानी जो अमिताभ बच्चन साहब हैं उनके अंदर भी कोई एटीट्यूड नहीं है, बड़े फिल्म हस्ती होने का कोई घमंड नहीं दिखा आपको? नहीं नहीं कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप ये कहिए तो मेरे लिए तो एक अच्छी बात ये थी जी। कि जब वो आए तो मैंने देखा कि यार ये इनकी इतनी लंबी हाइट और मैं यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों लोग एक फ्रेम में आएंगे कैसे जी। लेकिन वो चूंकि मिर्ज़ा के करेक्टर में वो थोड़ा झुके जी, तो वो जैसे ही वो झुके तो फिर मैंने देखा कि यार झुकने के बाद हम दोनों लोग एक बराबर पे आ गए। तो ये उनका बड़प्पन था कि वो इस तरह से झुक के उन्होंने काम किया, तो हम उनको यही कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक अमिताभ बच्चन ही कर सकते हैं वो चीज़। बिल्कुल। फिल्म बाला में भी आपने यामी गौतम के साथ काम किया है, यामी के फादर का रोल निभाया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि आज की जो जनरेशन के स्टार्स हैं वो पहले की जनरेशन के स्टार्स से काफ़ी अलग भी हैं। हाँ लेकिन देखिए जब क्योंकि यामी भी बहुत दिन से एक्टिंग कर रही हैं, उस सीन में यामी गौतम थी, हमारे साथ दीपिका जी थी, वो मेरी वाइफ थी जी। तो कुल मिला के जो एक सीन था तो उसमें हम सभी लोग साथ में थे जी। तो कोई इतना अलग एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि लगभग सब एक समान थे। तो होता यह है कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उस सीन में कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं कि कौन कितना पुराना है, कौन कितना नया है जी, कौन किस स्टेटस में है, क्योंकि हम मतलब ये होता है कि हमको सिर्फ वो सीन बनाना है सबको मिलके। बिल्कुल। तो उस सीन में जो हमारा किरदार है, हमारी जो जगह है, हमारी जो लिमिट है, हमें वो रखना होता है। तो अगर उस पर हम फोकस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि इसमें ये सामने मेरे कौन है, ये तो फलां है, तो ये सब चीज़ें दिमाग से हटानी पड़ती है। अगर नहीं हटाएंगे तो हम सीन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपने काम किया है, अगर आप दर्शकों को बताएं तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ उन्होंने आपको जरूर देखा है लेकिन नोटिस नहीं करे है, या फिर कहीं पे नोटिस किया है तो आपको पहचान नहीं पाए? मेरा जो सबसे अजीज कैरेक्टर है जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत दिल से मैंने उस कैरेक्टर को किया, आर्टिकल 15 थी अनुभव सिन्हा साहब की जी। उसमें मैंने उन बच्चियों में से एक बच्ची का फादर का कैरेक्टर किया था जिनको रेप करके टांग दिया जाता है। वो कैरेक्टर मुझे बहुत अपील किया और मुझे वाकई इतना अंदर से था कि मैं थ्रू आउट शूटिंग में मैं उन्हीं उसी हालत में ही रहता था जी। मैले कपड़े और जिस तरह से वो कैरेक्टर था तो वो सबसे मेरे लिए सबसे अच्छा कैरेक्टर था, मुझे बहुत आराम मिला उसमें, बहुत सुकून मिला उस कैरेक्टर को करके जी। यूँ तो कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में आपने काम किया है, और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि कई लोगों की अपनी अपनी धारणा होती है, लेकिन आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके हिसाब से ये अच्छी इंडस्ट्री है, बुरी इंडस्ट्री है, लोगों को आगे बढ़ाती है, लोगों को रोक देती है?
क्या कहेंगे आप? अब देखिए, एक आदमी जो लखनऊ में थिएटर कर रहा था जी, वो आदमी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, बड़े बड़े ऐड कर रहा है जी, तो इसी से आप समझ सकती हैं कि बॉलीवुड आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कुछ है, तो वो आपको ढूंढ के किसी गांव, कस्बे, किसी शहर से भी लेके वहां आ सकती है। तो इस मामले में सैल्यूट है बॉलीवुड को कि वो ढूंढती है, आपको निकाल लेती है। आप जहां भी हो, बॉलीवुड में भी ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढा जाता है और साथ ही साथ रोजगार भी दिया जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ, उन प्रतिभाओं को काम मिलना अपने आप में रोजगार है जी। यूपी में भी अब फिल्म सिटी बन रही है, इससे कितनी प्रतिभाएं निखर के सामने आएंगी, कितने लोगों को रोजगार बनेगा मिलेगा, और आपका क्या मत है, ये कितना जरूरी है? देखिए, यूपी में अभी फिलहाल जो फिल्म इंडस्ट्री की बात चल रही है जी, तो फिल्म इंडस्ट्री का मतलब ही यही है कि यहाँ पे फिल्में आ रही, वैसे भी आ रही जी। सब्जेक्ट चूंकि हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं, इसलिए उनको लोकेशन चाहिए होती है, रियल लोकेशन। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में और भी तमाम जगह हैं, वहाँ मिलती है। तो जब यहाँ पे एक फिल्म आती है, बॉम्बे से आती है, तो उसको सारी वो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो ट्रैफिक उनको जो है वो कन्वेंस चाहिए होता है, उन्हें होटल में स्टे चाहिए होता है, उन्हें जो छोटे छोटे करेक्टर्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो हमारा ये योगदान यूपी का इन सब चीज़ों में पहले भी था और आज भी है। तो फिल्म इंडस्ट्री बनने का मतलब ये है कि फिल्म की इनिशिएट यहाँ से हो जी। अभी क्या होता है कि वहाँ से आ गए कि साहब मुझे कुछ थोड़े बहुत करेक्टर छोटे मोटे जो नहीं है वहाँ से ले लेंगे जी। तो उसमें ये होता है कि एक आदमी जो वहाँ से आया, उसने एक करेक्टर किया, बड़े बड़े करेक्टर कर रहे हैं, और यहाँ के लोग जो भीड़ में थे वो भीड़ में ही रहेंगे। तो ये चीज़ जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ, ये यूपी की फिल्म इंडस्ट्री बन गई है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात करें जिसमें आप इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? मैं अभी कोका कोला का एक ऐड है जी, जिसका वो है कि खुद को जगा एक ठंडा लगा जी, वो मैंने किया था, वो अभी T20 में आता था जी। और आजकल IPL के लिए ड्रीम 11 का एक ऐड है जिसमें राजेंद्र अंकल हैं, शिखर धवन के, वो उनको बचपन में स्कूल प्रैक्टिस के लिए ले आते थे, वो कर रहा हूँ। तो ये दो ऐड हमारे प्रमुख हैं जो इस वक्त चल रहे हैं जी। अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं जिसमें आप अहम किरदार निभाने वाले हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट में रंगबाज 3 एक वेब सीरीज है जी, वो आ रही है। और फिल्म में मैंने अभी वरुण ग्रोवर की एक फिल्म की है, ऑल इंडिया रैंक जी, वो एक अच्छी और बड़ी फिल्म होगी, वो आ रही है। एक फिल्म मेरी शूबॉक्स है जो अभी फिलहाल तो कई फेस्टिवल्स में जा रही है, लगातार 5-6 फेस्टिवल हो चुके हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें मैंने अच्छा करेक्टर किया है, जवानी से लेके बुढ़ापे तक का करेक्टर मेरा, तो वो फिल्म भी अभी आनी है जी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी कुछ, बाकी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो उल्लेखनीय है ये है जी। अभी तक आपने किस तरह के प्रोजेक्ट करे हैं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, आप किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि हर एक एक्टर का एक ड्रीम होता है कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ अलग हो, हटके हो, आपका क्या ड्रीम है? देखिए, एज एन एक्टर जी, मैं ये ड्रीम नहीं कर सकता कि मुझे इस तरह के करेक्टर करना है जी। इस तरह के करेक्टर करने का मतलब ये है कि या तो फिर मैं राइटर हो जाऊँ या मैं डायरेक्टर हो जाऊँ। अब जो करेक्टर्स मेरे सामने आ रहे हैं उसमें मुझे चूज करना है कि हाँ, मैंने अभी तक ये करेक्टर नहीं किया और ये इस करेक्टर में मैं शायद अपने आप को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, या कुछ मैंने सोच रखा हो जी। तो बस कुछ इस तरह के करेक्टर है जो थोड़ा सा अलग हटके हो। तो जब आपको कैरेक्टर मिलता है, रोल मिलता है, तो आप उनमें क्या चीज़ देखते हैं, कि आप देखते हैं कि आप उस रोल में घुल मिल जाएंगे, निभा पाएंगे उसे, या फिर वो आपके लिए चैलेंज बन जाता है कि नहीं मुझे करना ही है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी जो पर्सनालिटी है जी, मेरी जो हाइट है, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें क्या ये करेक्टर फिट हो रहा है, मैं उसमें फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। अगर मैं उसमें फिट हो रहा हूँ तो फिर उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ उसमें। और अगर मान ली वो करेक्टर उन्होंने ऐसा दे दिया कि जो बिल्कुल मुझसे मैच नहीं करता, तो फिर मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होती है उस करेक्टर के लिए अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी तमाम चीज़ों को। जैसे आर्टिकल 15 में मुझे टैनिंग करनी पड़ी थी अपनी, तो वो तमाम चीज़ें थी, मैं नहाने के वक्त भी साबुन वाबुन नहीं यूज़ करता था, वैसे खाली पानी से नहा लेता था कि यार जो सारी टैनिंग है नहाने वाने से फिर वो साफ हो जाए, फिर वहाँ पे मेकअप। मैं चाहता था कि मेरा कम से कम मेकअप हो, कम से कम मेकअप में मैं उस करेक्टर में अगर दिखूँ जी,
तो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाए, बजाय इसके कि मैं मेकअप के बाद वैसा लगूं। तो और कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखते हैं आप अपनी एक्टिंग के दौरान, जैसे स्क्रिप्ट याद करनी होती है और अपने कैरेक्टर को भी पूरा पूरा वैसे ही दिखाना होता है जैसा दर्शक देखना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें? देखिए, सबसे पहला तो होता है कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम डायलॉग बोलते हैं या जब हम चलते हैं, तो अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो हमारा साथ किसी भी कैरेक्टर में नहीं देगी। बिल्कुल, वो करना होता है। दूसरी चीज़ें होती हैं कि हमें अपने डायलॉग्स की लाइन को पूरा याद कर लेना होता है, और सिर्फ याद नहीं करना होता है, उसे अपने अंदर धीमे 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 चलाते रहना होता है। तो चलाते रहते रहते ये होता है कि हम वो कब हमारे अंदर से निकलेगा, मुझे बोलना नहीं होता डायलॉग, मेरे अंदर से वो डायलॉग्स निकलने होते हैं, क्योंकि एक्टिंग की नहीं जाती, एक्टिंग हो जाती है। तो किए जाने से लेके हो जाने तक का जो सफ़र है, उसके लिए जो मेहनत है, वो करनी है मुझे बस। डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन देना कितनी मेहनत लगती है, कितनी प्रैक्टिस लगती है? देखिए, अगर आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मेहनत है, लेकिन इसका सबसे सीधा रास्ता ये है कि अगर आप उस करेक्टर को महसूस कर लेते हैं जी, तो उस डायलॉग के साथ आपके एक्सप्रेशन भी आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी होगी, आपकी चाल ढाल वैसी होगी, आपके एक्सप्रेशन भी वैसे होंगे, लेकिन तब जब आपने उस करेक्टर में अपने आप को बिल्कुल फील कर लिया, 100% आपने सोच लिया कि मैं यही हूँ, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने फील नहीं किया है तो ऊपर से एक तरह के मैकेनिकली अगर आप करेंगे तो फिर बहुत मेहनत है। आपको किसी चीज़ में नहीं कहने के लिए आपको क्या करना होता है? बिल्कुल नहीं कह दिया। 1981 से आपने थिएटर स्टार्ट किया और बॉलीवुड तक आप पहुंचे हैं, अभी भी आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखा बॉलीवुड में? जी, बॉलीवुड में शुरू से और आज तक में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले तो एक ख़ास तौर टीम होती थी फिल्मों में, हीरो हो गए, हीरोइन हो गए, विलेन हो गए, और उसके बाद एक कॉमेडियन का ट्रैक होता था, और उसमें कुछ सेटल लोग थे कि अगर ये हैं तो इनके साथ ये लोग हैं, ये हैं तो इनके साथ ये लोग होंगे। लेकिन अब ये है कि अब करेक्टर वाली फिल्में बनती हैं तो उसमें एक्टर के लिए ज़्यादा चांसेस हैं काम करने के, ज्यादा लोग इसमें आ सकते हैं, वरना पहले एक सिलेक्टेड लोग थे वही होते थे। जी, आपने नसीरुद्दीन साहब के साथ भी काम किया है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, नसीर साहब के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने डेढ़ इश्किया में उनके साथ काम किया जी, तो मैं बड़ा घबराया हुआ था कि आज मेरी एक्टिंग का सही मानों में इम्तिहान है, कि मैं जो शुरू से करता आ रहा हूँ या जिसको मैं एक्टिंग समझता हूँ वो एक्टिंग है या नहीं है, तो इसका आज ये टिक हो जाएगा, यस या नो। तो जब शुरू में हमारा उनका जब रिहर्सल हुआ सीन का, तो हम थे नसीर साहब थे और अरशद वारसी, तीन लोग थे, तीन ही लोग का सीन था वो जी। तो रिहर्सल में रिहर्सल निकल गई पूरी सीन की, और उधर से कोई किसी तरह की वो नहीं आई, ना डायरेक्टर की तरफ से कुछ आया, तो मैं बड़ा परेशान थे, हमने यार या तो ये बिल्कुल ही भी ख़राब हुआ है या ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैंने बिल्कुल सही किया हो, इन्होंने कुछ इस पर कहीं उंगली नहीं रखी जी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग टेक करते हैं। फिर नसीर साहब ने मुझसे कहा आप थिएटर करते हैं? मैंने जी करता हूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप अच्छा थिएटर करते हैं जी। तो फिर वहाँ से वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, तो बहुत ही पानी की तरह, जिस तरह से सीन कहते हैं, और बहुत ही मतलब इतना डाउन टू अर्थ मैंने आदमी नहीं देखा जी। तो मतलब नसीरुद्दीन साहब के साथ ही काम करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, या फिर कोई और भी ऐसा एक्टर है जो काफी चैलेंजिंग रहा हो काम करना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा किस्सा या ऐसा डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो काफी फनी हो और इंटरेस्टिंग भी हो? गुलाबो सितारों की बात करता हूँ मैं आपसे जी। गुलाबो सितारों में मेरा सीन था जिसमें मैं डॉक्टर था जी। तो उसमें मुझसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपको इस सीन में, आप डॉक्टर हैं जी, लगना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन जब बाद में कोई फिल्म को देखे तो आप कोई ऐसी चीज़ छोड़ कर ना जाइएगा जिससे लगे कि आप डॉक्टर थे, और इस वक्त आप कोई ऐसी सीन, कोई ऐसी चीज़ ना कीजिएगा जिससे ये ना लगे कि आप डॉक्टर नहीं हैं जी। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर और सामने कौन है? अमिताभ बच्चन। तो उसमें मेरा एक ही डायलॉग था, कुछ कह नहीं सकते, और ये डायलॉग मेरा तीन बार था, वो भी बच्चन साहब के साथ। तो मैं सोच रहा था यार ये एक ही डायलॉग है, कुछ कह नहीं सकते, और हम बच्चन साहब के सारे
सवालों का जवाब मैं यही देता हूँ, कुछ कह नहीं सकती। लेकिन वो कुछ इतना अच्छा बना वो कि बाद में नागपुर पुलिस ने इसका एक मीम भी बनाया था। हाँ, कि जब आप किसी खरीद फरोख्त की बात कर रहे हो, आपसे अगर कोई अपना आपका OTP मांगे तो यू जस्ट से, फिर उन्होंने दिखाया था हमारा सीन कि कुछ कह नहीं सकते जी। तो वो एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए जी। और कोई ऐसा यादगार सीन जो कि आपके जहन में हमेशा ही याद आता है, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया? मुझे सबसे अच्छा जो सीन लगता है अपना, जिसमें मुझे काम करके लगा कि यस ये मैंने किया, वो मुझे आर्टिकल 15 का लगता है जी। आर्टिकल 15 जैसे ही और सीन रोल आप करना चाहेंगे या फिर फनी कैरेक्टर्स में भी जाना चाहेंगे? देखिए, एक एक्टर की तो ये ख्वाहिश होती है कि वो हर तरह के कैरेक्टर करे जी। तो अब किसी चीज़ को रिपीट करना तो एक एक्टर का काम नहीं होता है जी। तो हाँ, ये ठीक है, आर्टिकल 15 का कैरेक्टर ऐसा था कि मैं उस जोन के जो कैरेक्टर होंगे जी, उसे करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहते हैं कि अभी एक तरह से मेरी प्यास बुझी नहीं है, वो लगता है कि बस थोड़ा ही सता, मुझे और चाहिए उस तरह की चीज़ें जी। और कौन से ऐसे बड़े स्टार्स सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम हो? मेरे ख्याल से एक थे जिनके जो अब नहीं रहे, इरफान साहब के साथ चाहता था मैं। अच्छा, ठीक है। अगर बात करें आज के यूथ की, जो यूथ है वो अगर थिएटर कर रहा है या फिर एक्टिंग करना चाहता है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रख के वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर कर सकते हैं और एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं? देखिए, यूथ के लिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कीजिए, आप पूरी पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप थिएटर कीजिए, क्योंकि मैं थिएटर से आया हूँ इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप थिएटर कीजिए। बात है आज की एक्टिंग सीखने की, एक्टिंग आप थिएटर से भी सीख सकते हैं, आप एक्टिंग स्कूल से भी सीख सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको सीखना होगा और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए, और सबसे चीज़ जो बड़ी है वो है आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। ज़बान कोई भी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उच्चारण अगर आपका अच्छा है तो आपने डायलॉग डिलीवरी में आधी बाजी मार ली है। अगर बात करें डाइट की, तो एक्टिंग के साथ साथ डाइट कितनी इम्पोर्टेंट रखती है और हेल्थ अच्छी रखना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एक्टिंग होती है, जो शूटिंग होती है, उसमें कई घंटों तक मेहनत करनी पड़ती है, तो हेल्थ अच्छी होनी कितनी ज़रूरी है? देखिए, हमारा अपना जो खुद का मानना है कि मैं, आपकी डाइट कोई भी हो लेकिन आप खुराक अपनी कम रखनी चाहिए जी। खाना आप कम खाइए और जो भी खाइए थोड़ा सा पौष्टिक चीज़ें खाइए और एक्सरसाइज रखिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो खूब पैदल चलिए, तेज़ पैदल चलिए और ब्रीदिंग कीजिए खूब, उससे आपके डायलॉग डिलीवरी में आसानी मिलेगी जी। तो सेहत का तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है पहली बात जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, साथ ही अपने जीवन से जुड़े अनुभव भी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हमारे शख्सियत के कार्यक्रम में हमारे साथ एक्टर जिया अहमद खान जी मौजूद थे, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के बारे में हमें काफ़ी जानकारी दी, अपने अनुभव के बारे में बताया, साथ ही साथ आज के यूथ को अगर एक्टिंग करियर में आगे बढ़ना है तो टिप्स भी दिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।